आप लोग इस वक्त जमा हुए हैं लियाकत बाग के सामने, आप क्या समझते हैं कि आप लोग अपने इन अहदाफ को हासिल कर लेंगे जो कि अवाम के लिए इस वक्त अजाब की सूरत में उन पर मुसल्लत किया गया है, और फिर टैक्सेशन, फिर महंगाई, कैसे देखते हैं कि इसका हल आपको क्या नजर आता है, कि इसी तरह धरना दे के ही हल किया जाएगा या फिर इसमें अवाम में शऊर पैदा होगा तो अवाम भी आवाज उठाएगी? बाकी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस अहम मौजू पे जमात इस्लामी के इस धरने के सिलसिले में मुझे भी आपने मौका दिया कि मैं जमात इस्लामी का मौका आपकी खिदमत में अर्ज करूं। जी हकीकत यह है कि हुक्मरानों को खुद ख्याल करना चाहिए था, पार्लियामेंट को ख्याल करना चाहिए था, ना कोई पार्लियामेंट ने इस सिलसिले में पेशरफ की, ना हुक्मरानों ने इस बारे में कोई ख्याल किया कि ये जो कुछ हो रहा है इसका आखिर नतीजा क्या निकलेगा। यानी इस वक्त पाकिस्तान का हर शहरी सिवाय उस अशराफिया के कि जिनको मुफ्त बिजली मिल रही है, पाकिस्तान का हर शहरी 4 बिल अदा कर रहा है। एक उसकी अपनी बिजली जो उसने इस्तेमाल की है, उसका भी महंगे रेट है, फिर उसके बाद वो बिजली के जो मुफ्त मिल रही है लोगों को, उनकी बिजली का खर्च भी मैं दे रहा हूँ, आप दे रहे हैं, फिर जो बिजली चोरी करने वाले हैं उनकी चोरी के बिजली बिल भी हम दे रहे हैं, आवाम दे रही है, और चौथे नंबर पे बंद कारखानों की, ये दुनिया का वो वाहिद कारोबार है कि आप बंद हट्टी के भी पैसे ले रहे हैं कि आप मुझसे सौदा लें तो पैसे दें, ना लें तब भी पैसे दें, मेरी दुकान बंद हो तब भी आप मुझे पैसे देंगे, ये कौन सा कारोबार है? और ये लूट मार है, यानी कारोबार नहीं है। और ये बिल्कुल ठीक है कि कौम का ये हक है कि उसे पता चले कि ये हैं कौन लोग, ये कौन से खानदान है कि जो इस मुल्क को लूट रहे हैं, इख्तदार की मसनदों पे भी बैठते हैं, इख्तदार के मजे भी लूटते हैं और फिर कौम को भी लूटते हैं, और उसके साथ साथ ये कि इन्हें कोई तरस नहीं आता।